सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज व माय एफएम के संयुक्त प्रयास से ब्रेन ऑफ सिटी एग्जाम कंडक्ट कराने की कड़ी में उतई स्थित केपीएस स्कूल में भी एग्जाम कराया गया। स्टील सिटी के विद्यार्थियों के आत्म आकलन के लिए जो कि दो वर्ष कोविड काल के बाद के हैं, उसका आकलन करने का प्रयास अंचल में संचालित सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज व माय एफएम के संयुक्त प्रयास से ब्रेन ऑफ सिटी के तहत किया गया। दोनों टीमें उतई के केपीएस स्कूल पहुंची। ओएमआर शीट के माध्यम से 9वीं से 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स ने ये एग्जाम दिए। सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज व माय एफएम के इस प्रयास की सराहना स्कूल प्रबंधन ने दिल से की, तो वहीं बच्चों ने इसे बेहतर कारगर भी बताया। 94.3 माय एफएम पर मैं हूं आरजे अनिमेश और इस वक्त मैं हूं कृष्णा पब्लिक स्कूल उतई में, जहां पर माय एफएम और हमारे नॉलेज पार्टनर सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज के इनिशिएटिव ब्रेन ऑफ सिटी पहुंचा हुआ है और राशि मैम प्रिंसिपल मैम के पी उतई की हमारे साथ है। मैम, ये जो ज्ञान राशि होती है ये किसी भी बच्चे के ग्रोथ के लिए ऐसे कॉम्पिटिशन्स बहुत ज़रूरी हैं और समय समय पर हम उनको ऑर्गेनाइज भी करते हैं अपने बच्चों के लिए। तो क्योंकि ये जो क्षेत्र है जहाँ हमारा स्कूल है ये रूरल एरिया में आता है, तो यहाँ के बच्चों के लिए एक तो कि ये स्कूल मिला है उनके लिए बहुत फ़ायदे वाला है, जैसे कि हमें अपने फीडबैक पता चलते हैं। और ये हमारे इधर के बच्चे, इस साइड के बच्चे कहीं भी किसी भी क्षेत्र में पीछे ना हो जाए, इसका हम बराबर ध्यान रखते हैं। इसके लिए उनकी मेंटल हेल्थ और उनको डेवलप करने के लिए हम समय समय पर जैसे भी हम हमारे पास लोग आते हैं हम उनको कॉम्पिटिशन्स को जरूर ऑर्गेनाइज करवाते हैं, ताकि जो बेस बना रहे और आगे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कहीं भी किसी भी चीज़ से डिप्राइव्ड या वंचित जी बिल्कुल। आप ये समझ लीजिए कि पूरे तंत्र को पूरा ठप कर दिया था। ऑनलाइन भले ही पढ़ाई होती रही हो, लेकिन वो जैसे कि सब लोगों को नज़र में आया और ये पता चला कि वो उतना इफेक्टिव नहीं रहा। भले ही हम ऑनलाइन कोई भी काम करते रहे हों, वो हमारे ऑफिशियल्स के लिए सब ठीक है, पर बच्चों का इसमें काफ़ी लॉस हो गया। काफ़ी बच्चे तो समझ लीजिए कि 2 साल की जगह 4-5 साल पीछे चले गए, जैसा हमें दिखाई दे रहा है। तो उनके लिए, उनको वापस उसी ढर्रे पे लाने के लिए, जैसे स्कूल शुरू हुए उनमें भी हम देख रहे हैं बहुत चेंजेस हुए। और आपका ये फर्स्ट टेस्ट है जो अभी ऑर्गेनाइज हो रहा है इस सेशन में, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी। बहुत अच्छा हुआ कि ये आगे के लिए उनके हेल्प जरूर करें जी बिल्कुल। मैं हृदय से माय एफएम और सचदेवा पीटी कॉलेज का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। ये जो एग्ज़ाम करा रहे हैं ये आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बच्चों के लिए निश्चित ही बहुत फ़ायदेमंद होगा। फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे टफ़ क्वेश्चंस थे, इजी क्वेश्चंस थे, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरह से बहुत अच्छा पेपर बना था। और मतलब क्वेश्चंस इजी थे, लेकिन कहीं कहीं पे ट्रिकी क्वेश्चंस थे। हाँ। कि ट्रिकी क्वेश्चन मतलब कंफ्यूज कर देंगे कि ये आंसर है कि वो आंसर है। जैसा कि आयोजन माय एफएम और सचदेवा न्यू पीजी कॉलेज के द्वारा है, क्या कहना चाहोगे? थैंक यू टू एफएम एंड सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज। मैम, इस एग्ज़ाम से मतलब इंटरेस्टिंग एग्ज़ाम है ये, इससे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है इससे हमें मतलब क्वेश्चन होता है कि ऐसे टाइप का क्वेश्चन हमें और आगे मिलेगा। और ये क्वेश्चन है, टफ है, बट कोशिश करेंगे बनाने की बन जाए। ब्रेन ऑफ सिटी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराकर सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज व साथ ही माय एफएम ने विद्यार्थियों की यथास्थिति का आकलन किया है। ब्रेन ऑफ सिटी एग्ज़ाम ने विद्यार्थियों को रिचार्ज करके रखा। विद्यार्थियों में जागरूकता व उत्सुकता से इसका पता लगाया जा सकता है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।